आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप लोगों की जो परीक्षा है वो तो स्थगित कर दी गई है। कॉलेजेस सभी की बंद है। अगर कॉलेज बंद है तो आप लोगों की जो पढ़ाई है वो आप किस तरह से करेंगे। कहा गया है कि आप लोगों की जो भी पढ़ाई है वो ऑनलाइन कराई जाएगी। अगर ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है तो आप लोग किस तरह से ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो करेंगे, इसको लेके पूरी जानकारी हम आप लोगों को विस्तार से देंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिएगा। इसके अलावा जो भी छात्र छात्राएं पहली बार चैनल पे आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब आपको एक एक करके बताते हैं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन जो पढ़ाई है, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर किस तरह से क्या पूरी व्यवस्था की गई है, उसको लेकर पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली आप ओपन करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। या तो आप नॉर्मली जाके गूगल पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी सर्च करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, जो कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ पे ई लर्निंग, ई कॉन्टैक्ट, टीचर लॉगिन, फिर आरएक सेतु ऐप यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये सारी जो है, यहाँ पे आपको ई लर्निंग मतलब कॉन्टैक्ट को लेके पूरी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, ई लर्निंग पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जब हम ई लर्निंग पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद से यहाँ पे देखिए, आपको सेलेक्ट कोर्स और सेलेक्ट सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। नोट में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि सब्जेक्ट लिस्ट में वही सब्जेक्ट प्रदर्शित हो रही हैं जिनके लेक्चर शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी उस सब्जेक्ट के टीचर होते हैं उनके द्वारा जो लेक्चर जो अभी तक अपलोड किए गए हैं, वही सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो सेलेक्ट कोर्स है पहले वो करते हैं। यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट कोर्स में आपको BA, BSc, BCom सभी के जो कोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। BEd की दिख जाएगी, मतलब अलग अलग कोर्सेज की ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज दोनों जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया होगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भी हम आपको आगे वीडियो में बता देते हैं कि आप किस तरह से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हर कोर्सेज के अलग अलग ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज जो भी कोर्सेज हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सपोज डैट यहाँ पे हम कर लेते हैं BSc में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, BA में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम BSc पे कर लेते हैं। तो मान लीजिए BSc का हम फर्स्ट ईयर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे BSc का हमने फर्स्ट ईयर कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, BSc में क्या होता है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, मैथ होता है, फिजिक्स होता है। तो यहाँ पे आपको हर कोर्सेज का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो बायोलॉजी से होते हैं, यानी कि जूलॉजी और केमिस्ट्री होगा, और किन्होंने बॉटनी लिया होगा, बाकी जो मैथ से होते हैं वो मैथ लेते हैं, उसके अलावा फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री होता है जो कि कॉमन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टीचर हैं उन्होंने यहाँ पे जो भी जो कोर्सेस होती हैं उसके जो लेक्चर हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दिया। साथ में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम दिख जाएगा, टीचर नेम दिखते हैं, सब्जेक्ट दिखते हैं और लेक्चर का जो टाइटल है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखें कि BSc फर्स्ट ईयर के जो अलग अलग कॉलेज हैं उनके द्वारा जो अलग अलग टीचर्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमको जूलॉजी का करना है, जूलॉजी का यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिल जाएगा अलग अलग। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना होगा लाइफ साइकिल का, तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने क्या होता है, PDF जो होता है वो लोड हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, PDF लोड होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो कॉन्टैक्ट है इसे जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो इस तरह से जो PDF फाइल में जो है वो कॉन्टेंट जो है वहाँ पे अपलोड कर दिया गया और आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो लाइन्स होती हैं उसको भी अंडरलाइन करके ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर दी गई हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जाके वहाँ पे चेक कर लेना है कि आपको कौन से लेक्चर के जो टाइटल हैं वो आपको देखने, आपको किस सब्जेक्ट का लेना। तो यहाँ पे अलग अलग सभी के आ चुके हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग, सपोज डैट यहाँ पे मान लीजिए हम BA फर्स्ट ईयर का ही करते हैं, तो BA फर्स्ट ईयर में भी जितने जो सब्जेक्ट होंगे, जो लेक्चर्स हैं, जो टाइटल है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप सिलेबस अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको किस तरह से सिलेबस डाउनलोड करना है वो भी आपको बता देते हैं। तो उसके बाद से हम बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए, जो कि आपको एकेडमी का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, सिलेबस, सिलेबस वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। जब हम सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सभी के लिए ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, आपको सभी का यहाँ पर जो PDF फाइल होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एक PDF फाइल डाउनलोड करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सभी के आपको मिल जाते हैं। तो सिर्फ आपको डाउनलोड करना होगा, किसी तरह की कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस डाउनलोड नहीं किया तो आप सिलेबस भी डाउनलोड कर लीजिए। बाकी ई लर्निंग को लेकर जो
आपको ऑनलाइन जो पढ़ाई करनी है उसको लेके जो नोट्स हैं यानी जो पीडीएफ फाइल में जो नोट्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लेक्चर टाइटल के अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। फिलहाल ये जो तैयारी है वो यूनिवर्सिटी की ओर से की जा रही है, बाकी आगे आपके यूनिवर्सिटी की ओर से क्या तैयारी की जाएगी उसको लेके भी पूरी जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा।